आज मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। बट मैं डॉक्टर के पास क्यों जा रहा हूँ, इससे पहले मुझे आपको अपनी एक स्टोरी सुनानी है। मैं बचपन से ही ओवरवेट था। 10th स्टैंडर्ड में मेरा वेट 96 हो गया था। 12th में आते आते मेरा वेट 120 किलो हो गया था। और यार मैं सच में वेट लॉस के लिए इतना डेस्परेट हो चुका था कि मैं कुछ भी करने को तैयार था। और वेट लॉस सप्लीमेंट्स एक बड़ा ही इजी वे दिखता। सबसे पहले मैंने लिए वेट लॉस वाले कैप्सूल्स। तो पहले तो वेट लॉस पिल से मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया और मुझे ये लगता था कि मुझे कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने मल्टीपल चेक करवाया और जैसे ही मैंने वो पिल्स छोड़ी सारा कुछ ठीक हो गया। फिर मैंने ट्राई किए वेट लॉस वाले शेक्स। तो मेरे पड़ोस में एक आंटी होते थे जिन्होंने अचानक से ना बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लिया था। एक दिन वो मेरे पास आए और मेरे मॉम को कहते हैं ये वेट लॉस वाले शेक अपने बेटे को भी पिलाओ क्योंकि इंडियन डाइट में तो न्यूट्रिशन है ही नहीं। एक तो उसका न्यूट्रिशन पूरा होगा और वेट लॉस करना बहुत इजी है इन शेक्स के साथ। उन वेट लॉस शेक्स ने एक तो उम्र से पहले मेरे बाल सफेद कर दिए। और रही वेट की बात, वेट तो 4 महीने में मेरा भी वापस आ गया और उन आंटी का भी। इन द एंड मेरी लास्ट होप थी एप्पल साइडर विनेगर के साथ। और उसी एप्पल साइडर विनेगर के चक्कर में आज मैं डॉक्टर के पास बैठा हूँ। इस फोटो में ये दांत किसी 60 या 70 साल के बंदे के नहीं हैं, मेरे हैं जो खराब हो चुके हैं एप्पल साइडर विनेगर से। डॉक्टर ने मुझे अच्छे से एग्जामिन किया और मुझे समझाया कि कैसे एप्पल साइडर विनेगर से मेरे दांतों को इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है। शायद वेट तो मैं फिर लूज़ कर लूँगा बट जो दांत खराब हो गए मैं इनका क्या करूँगा। सो मैं आया था डॉक्टर गरिमा और डॉक्टर पीयूष के पास जो पिछले 3 सालों से एसीबी जैसे प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट्स पे रिसर्च कर रहे हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर इज वेरी कॉमन फॉर यूजिंग वेट लॉस बट उसका जो एक पीएच लेवल है दैट इज मेंटेन्ड अराउंड 2 to 3। तो उसकी वजह से दांत में इरोजन नाम की चीज होती है विच इज गोइंग टू ब्रेक डाउन द एनामल एंड टूथ को थोड़ा सॉफ्टन कर देती है। फॉर दैट रीजन टूथ में थोड़ा डिस्कलरेशन भी आता है और टूथ जो है वो डीके के लिए ज्यादा जल्दी प्रोन हो जाता है। सो आई हैव डन अ रिसर्च पेपर सिंस 3 इयर्स आई हैव बीन डूइंग दैट थिंग व्हिच हैज पीएच बिलो 3 टू 4 इट कॉसेस एसिड इरोजन बट एसीपी इज वन ऑफ द कल्प्रिट। देयर वाज अ वेरी रीसेंट पेशेंट एंड दे स्टार्टेड कंज्यूमिंग एप्पल साइडर विनेगर आई थिंक ट्वाइस अ डे and the lady lost 10 kgs in approximately 1.5 months but the teeth were in such a bad state but the way she looked when she smiled was horrific to her। और आज की डेट में मार्केट भरी हुई है ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ जो कहते हैं इट्स अ इजीएस्ट वे टू लूज वेट बट इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे प्रूव करने के लिए मैं आपको एक 1940s की एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं। डॉक्टर्स इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन डॉक्टर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर आस्क्ड What cigarette do you smoke, doctor? Once again, the brand named most was Camel. More doctors smoke Camels than any other cigarette. So can you imagine इतने साल पहले डॉक्टर्स को यूज किया जाता था इन प्रमोटिंग सिगरेट्स क्योंकि उस टाइम पे सिगरेट के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स किसी को भी नहीं मालूम। सिमिलरली आज की डेट में भी जितने वेट लॉस प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या होंगे ये कोई प्रूव नहीं कर सकता। हाँ वो बड़ा कहते हैं इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमने क्लिनिकल रिसर्च करवा ली और इट इज अ वेरी क्लीन प्रोडक्ट, बट बहुत लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी के अंदर जाके वो क्या इफेक्ट डालेगा किसी को भी नहीं मालूम। और हर दिन एक नए प्रोडक्ट के बारे में सुनने को मिलता है, कोई डिटॉक्स वाला प्रोडक्ट दे रहा है, कोई ऐसी कंपनी है जो आपको नाम की तो डाइट दे रही है बट ये कह रही है कि हम डाइट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स भी देंगे, मतलब उन्हें अपने प्रोडक्ट्स ही चेपने हैं, डाइट तो आपको नहीं देनी। एंड इफ यू आस्क मी व्हिच इज स्टिल द बेस्ट वे टू लूज वेट इट्स स्टिल डाइट एंड एक्सरसाइज। और कौन कहता है डाइट बोरिंग है, हमारे पास आके तो देखो।